देवास प्रभारी मंत्री बुधवार के दिन देवास के कन्नौत पहुंचे, जहां पर क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में कन्नौत में बने सेंटरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि कॉल सेंटर पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कोविड सेंटर पर पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस बढ़ती हुई महामारी को भी मात देते हुए मानवता को बढ़ावा दिया है। इस कठिन घड़ी में जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने दिन रात मेहनत कर अपने कर्तव्य से लोगों के प्राण बचाए हैं, ऐसे कर्मचारियों को प्रभारी मंत्री ने सम्मान करते हुए आभार माना और स्वास्थ्य कर्मियों को सैल्यूट कर उनके कामों को लेकर आभार माना। इसी दौरान प्रभारी मंत्री ने खाते गांव का भी दौरा किया, जहां पर कोविड सेंटरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मानव त्रासदी का भीषण दौर और जिस प्रकार से बहुत कर्मठता और जुझारूपन से भाई आशीष शर्मा और प्रशासन की पूरी टोली जिस प्रकार से यहाँ डटी हुई है और सीमित साधनों में लोगों के प्राण बचाने का जो संकल्प किया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली, इसके लिए मैं बहुत पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत चिंता थी, कन्नौत खातेगांव एक तो दूर भी पड़ता है देवास उससे, पर आशीष यहाँ है तो मैं एकदम निश्चिंत हूँ कि कहीं कोई कमी कभी रह नहीं पाएगी और तत्काल हम लोग एक दूसरे से बात करके और सारी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। दीदी, और कोई प्रशासनिक स्तर से कोविड को लेकर कोई विशेष पुख्ता इंतजाम किए हों सर यहाँ के लिए? पुख्ता इंतजाम देखिए, पूरे केंद्र माननीय मोदी जी से लेकर भाई शिवराज जी से लेकर और स्थानीय सारा शासन और सारा प्रशासन अपनी सामर्थ्य से अधिक जुटे हुए हैं। कैसे ऑक्सीजन की कमी अब आप देख रहे हैं दूर हुई है और सारी दूर एक वातावरण में सामान्य स्थिति निर्मित हुई है। रेमडेसिविर जो एक विराट समस्या बन गया था वो भी धीरे धीरे नियंत्रण की ओर है। हम जो विषय विशेषज्ञ हैं, गुलेरिया जी हो गए, सुनील गर्गे जी हो गए, डॉक्टर सुधीर महाशब्दे जी हो गए, उन सबके भी वीडियोस चला रहे हैं कि ये संजीवनी बूटी नहीं है। जो वैकल्पिक इंजेक्शंस हैं, जो दवाएँ हैं, उन पर भी मरीजों ने समझकर जाना प्रारंभ किया, इसलिए इसका भी क्राइसिस कम हुआ है और स्वास्थ्य लाभ की दिशा में प्रदेश और देवास जिला निश्चित रूप से बढ़ा है। थैंक यू भारत माता की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।